उचित शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आज एक अलग अंदाज देखने को मिला। सीकर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंच पर एक शिक्षिका के चरण स्पर्श किए और एक नजीर पेश की। रिपोर्ट देखिए। पैसा कमाना पुरुषार्थ है, लेकिन समाज की भलाई के लिए पैसे का त्याग सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तभी सूबे के शिक्षा मंत्री ने भामाशाह टीचर अनिता चौधरी के चरण स्पर्श किए। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षक जो अपनी पूरी सैलरी बच्चों के भविष्य पर खर्च करते हैं, वो माँ सरस्वती का स्वरूप होते हैं। दरअसल शुक्रवार को शिक्षा मंत्री सीकर जिले की दोद विधानसभा पहुँचे थे। बजलाल सरकार को पर्ची की सरकार कहने के लिए मदन दिलावर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसा। जवाब देगी डोटासरा सही कर रहे हैं कि बाहर रहकर रूप चुके हैं, परेशान हो गए और उनको खाने को भलाई नहीं मिल रही है, इसलिए हल्ला कर रहे हैं। उससे कोई अंतर नहीं आता कि भजनलाल जी की सरकार है, निरंतर सब लोगों को साथ लेते थे, सबके विकास की चर्चा करते विकास करते आगे बढ़ेंगे। आरोपों पर पलटवार का ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का अपना तरीका है। बात भी कह दी और मर्यादा का भी ध्यान रखा। कांग्रेस पर करारा प्रहार करने के साथ ही शिक्षा मंत्री ने लापरवाह शिक्षकों को एक बार फिर चेतावनी दी और नहीं सुधरने पर अंजाम की चेतावनी भी दे डाली। और जिस काम में शामिल लोगों से सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी किसी का भी कोई भी सिफारिश हो, कुछ भी हो, धर्मांतर लौजिहाद का अड्डे हम विद्यालयों को नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। मदन दिलावर ने कहा कि कोई भी शिक्षक विद्यालय में पूजा पाठ और नमाज नहीं करेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फिर दोहराया कि पिछले 5 सालों में किसी टीचर पर दुराचार या रेप का आरोप हो तो उसकी अवैध संपत्ति चिन्हित कर उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। हमने पहले भी कहा कि शिक्षक हमारे बहुत सम्माननीय माननीय हैं, कुछ लोगों ने इसको बदनाम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दिया है, जो करते हैं जो करते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बेपटरी हो रही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में दिलोजान से जुटे हुए हैं। आए दिन वो प्रदेश के स्कूलों का औचक निरीक्षण करते हैं, लापरवाहों को आगाह भी करते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट।